जहां एक ओर पुलिस लगातार गश्त और चेकिंग अभियान चलाकर अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रही है, तो वहीं दूसरी ओर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह शहर के पॉश इलाके में सदर चौकी की नाक के नीचे दुकान के ताले चटकाकर लाखों रुपए लेकर चंपत हो गई। और पुलिस को इस घटना की भनक तक नहीं हुई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र की सदर चौकी के नाक के नीचे जगदीश मार्केट का है, जहां शुक्रवार रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा जगदीश मार्केट स्थित एक दुकान के शटर ताला तोड़कर चोरों ने दुकान के गुल्लक में रखे लाखों रुपए चोरी कर लिए। वहीं चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार हरगोविंद डोडवानी की दुकान से अज्ञात चोरों ने रात्रि 2 बजे के लगभग शटर का ताला तोड़कर गुल्लक में रखी नकद लगभग 5 लाख रुपए चोरी कर लिए। शनिवार सुबह पड़ोसी की दुकान वालों ने जब शटर का ताला टूटा देखा तो इसकी जानकारी दुकान मालिक को दी। दुकान मालिक ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। दुकान मालिक ने बताया कि उसका पुत्र शुक्रवार देर रात को दुकान बंद कर घर चला गया था और पैसे भी दुकान में ही रखे थे। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में जिस प्रकार चोर द्वारा चोरी की गई है उसको पहले से ही जानकारी थी कि रुपए गुल्लक में रखे हुए हैं, इसलिए उसने सीधा जाकर दुकान के गुल्लक में से पैसे निकाले और वापस चला गया और किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर सीओसीटी राजा सिंह, शहर कोतवाली संजय शुक्ला, स्वाट टीम आदि ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने जल्द चोरों को पकड़ने का दावा भी किया है।